बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, मेरे सहयोगी अवधेश आपको बताएंगे। बिल्कुल बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर नगर पंचायत हंडिया के मतदान केंद्र पर विवाद हो गया है। पिंक बूथ पर दो प्रत्याशियों के बीच हंगामा हो गया। मौके पर पुलिस कर्मियों ने मामले को शांत कराया है। दोनों पक्षों को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया है। तो नगर पंचायत हंडिया में मतदान केंद्र पर विवाद हो गया और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने बीच बचाव करके मामला शांत करवाया। दोनों ही पक्षों को मतदान केंद्र से बाहर निकाल दिया गया। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये नगर पंचायत हंडिया की तस्वीर है प्रयागराज की, जहां पर दो प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, बात विवाद हो गया। उसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत कराने की पहले कोशिश की और उसके बाद दोनों पक्षों को मतदान केंद्र से बाहर करवा दिया गया। आप देखिए किस तरीके की गहमा गहमी हो गई और यहां पर विवाद काफी बढ़ सकता था, लेकिन फौरन जो सुरक्षा कर्मी थे वो हरकत में आए और मामले को शांत करवा के दोनों पक्षों को बाहर किया गया। और देखिए भाई, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद मोइन भी हमारे साथ हैं और विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रयागराज की तस्वीरें जान लेते हैं मोइन से। मोइन बताएं, प्रयागराज में मतदाता कितने जागरूक हैं, पोलिंग बूथों पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? देखिए, अगर हम शुरुआती डेढ़ घंटे की बात करें तो प्रयागराज के ज्यादातर सेंटर पर इक्का दुक्का मतदाता ही आ रहे हैं, कहीं भी लंबी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। वैसे अगर प्रयागराज में हम पिछले चुनाव की बात करें, जो 2017 का निकाय चुनाव हुआ था, तो सिर्फ 30% लोगों ने मतदान किया था। हालांकि प्रयागराज पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है, शिक्षित लोगों का शहर कहा जाता है, बुद्धिजीवियों का शहर कहा जाता है, लेकिन वोटों को लेकर जो यहाँ के लोग दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके उस पर एक दाग की तरह होता है। तो आज देखने वाली बात ये होगी कि क्या पिछली बार का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा। पिछली बार 30% पोलिंग हो गई थी, इस बार कितना मतदान होता है। और लेकिन अभी डेढ़ घंटे की बात करें तो अभी डेढ़ घंटे में आमतौर पर कई जगहों पर जो है वो जो ईवीएम मशीनें हैं उनके खराब होने की शिकायतें आई हैं, लेकिन अभी तक का मतदान शांतिपूर्वक तरीके से हुआ है। हाँ, जो शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर हंडिया का इलाका है, जहाँ पर नगर पंचायत के लिए वोट डाले जा रहे हैं, वहाँ एक बूथ पर दो प्रत्याशी आपस में भिड़ गए, दोनों के बीच झड़प हुई और पुलिस ने बीच बचाव किया, इससे मतदान कुछ देर तक प्रभावित जरूर रहा, लेकिन वहाँ भी अब जो मतदान है, वापस लौटेंगे आपके पास। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।